भारतीय ओपनर शिखर धवन से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। इस पोस्ट में आयशा ने तलाक पर अपनी राय रखी है और साथ ही लिखा है कि वह दो बार तलाक लेने के बाद कैसा महसूस करती हैं। धवन और आयशा ने साल 2009 में सगाई की थी और इसके 3 साल बाद वे शादी के बंधन में बंधे थे। आयशा ने अपने पहले पति को भी तलाक दे दिया था, जिनसे उन्हें 2 बेटियां हैं। जब अपने से उम्र में करीब 10 साल बड़ी आयशा से धवन ने शादी की थी तो उन्हें उस वक्त काफी ताने मिले थे। हालांकि धवन के परिवार ने उनका साथ दिया। साल 2014 में आयशा ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम जोरावर धवन है। धवन ने कई बार इस बारे में बात की है कि कैसे आयशा से शादी के बाद उनकी जिंदगी में बदलाव आए। वो कई बार कह चुके हैं कि आयशा से मिलने के बाद वह एक व्यक्ति और एक क्रिकेटर के रूप में कैसे बदले। धवन ने तलाक को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। उन्होंने ना तो कोई बयान जारी किया है और ना ही सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट शेयर की है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि शिखर और आयशा ने एक दूसरे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है। इतना ही नहीं, आयशा ने शिखर की सभी तस्वीरें अपने फीड से भी डिलीट कर दी हैं। पश्चिम बंगाल से ताल्लुक रखने वाली आयशा ने अपने पोस्ट में लिखा, एक बार तलाक हो चुका है, लग रहा था कि दूसरी बार बहुत कुछ दांव पर लगा था, बहुत कुछ साबित करना था, इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूटी तो यह काफी डरावना था। मैंने सोचा था कि तलाक गंदा शब्द है, लेकिन फिर मेरा 2 बार तलाक हो गया। जब पहली बार मेरा तलाक हुआ तब मैं बहुत डरी हुई थी। मुझे लगा जैसे नाकाम हो गई हूँ।